नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीन युवक घायल हुए हैं। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के घूमा गांव की बताई जा रही है। मृतक विनोद यादव के भाई ने बताया कि उसकी बेटी की शादी थी, उसका भाई खरीदारी करने कटरा जा रहा था। करीब 11 बजे सुबह प्रयागराज से कटरा की तरफ आ रहे बाइक सवारों की गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई जिसमें विनोद यादव की मौत हो गई जबकि बाइक में बैठा मुनेश यादव घायल है। वहीं प्रयागराज की तरफ से आने वाले बाइक सवारों में भी एक युवक की मौत हो गई है जबकि दो घायल हैं। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। हमारा नाम संतोष यादव। क्या घटना क्या हुई? घटना एक्सीडेंट हो गया है, मेरे भाई का दो बाइक से बाइक टकरा गई घूमा में थानागढ़। कितने बजे? 11 से 12 के बीच में हुई। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हमारा भाई सामान लेने गया था कटरा, वहाँ से घर आ रहा था और वो पल्सर वाला लड़का वहाँ इलाहाबाद तरफ से इधर जा रहा था कटरा। भाई के कितने दो लोग? वो तीन लोग थे, हमारे भाई दो लोग। दोनों एक घायल है, उसका पैर टूट गया है दो जगह से। भाई का क्या नाम है? जो भाई का विनोद यादव नाम। घायल का? घायल उनका गुणेश यादव नाम। और जो वो एक्सीडेंट दूसरे में थे उसमें कितनी मौत? उनके तीन आदमी थे तो एक आदमी की उनकी भी मौत हो गई है, दो बचे। आपके यहाँ से शादी भी थी? हमारे यहाँ शादी थी हमारे लड़के। क्या सामान लेने गए? सामान लेने गए थे कटरा। कब शादी थी? आज बारात थी हमारे यहाँ भतीजी की। भतीजी की सर, आप पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, हाँ। कितने मामले हैं हमारे पास आज की डेट में? 11 मामले आए हैं जिसमें जहर के भी हैं, एक्सीडेंट के भी हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट मामले हैं। कुछ तो लोकल थानों के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हैं, तो मैं उनकी कार्रवाई करके संबंधित थाने को डायरिया भिजवाऊँगा, ठीक है? और कार्रवाई चालू है।